से कि मैंने बोला सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है, कैसे काम करती है, आपने लास्ट वीडियो में देख लिया। अब फिजिकली ट्रैक्टर पे हम कैसे दिखा सकते हैं अपने शोरूम में कस्टमर को, ये मेरा सेंसिंग यूनिट है, ये मेरी टॉपलिंग है, तो जो मेरा लिफ्ट ऑटोमेटिक उठने का जो जो सेंस करता है ये यूनिट करता है। ये यूनिट पे सिग्नल कैसे आता है, ये मैनुअली सिग्नल आता है। तो जैसे मेरा ट्रैक्टर गड्ढे में गिरा जहाँ कहीं मिट्टी के ढेले जहाँ स्टोन के ऊपर आया, तो ये जो टॉपलिंग में डिस्टेंस होता है ये छोटा बड़ा होता है। तो जैसे मेरा ट्रैक्टर गड्ढे में गिरा तो यहाँ डिस्टेंस छोटा होगा, अब मेरी टॉपलिंग तो छोटी नहीं होगी, तो वो धक्का कहाँ आएगा, इस सेंसिंग यूनिट के ऊपर थ्रू टॉपलिंग। तो जैसे धक्का आएगा तो मेरी लिफ्ट अपने आप उठ जाएगी, ट्रैक्टर मेरा गड्ढे से बाहर निकल गया तो ये वापिस वो लेंथ बराबर हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा। अब ये हमारे वाला जो ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक, ये बहुत ही कम एफर्ट पे हल्के से हल्के ड्राफ्ट में भी, जो हल्के से हल्के सॉइल में ड्राफ्ट होता है वहाँ भी कंट्रोल बहुत जल्दी करता है। तो कभी भी किसी किसान को हमने ये दिखाना है हमारा ट्रैक्टर अच्छा है, एक तो मैं फील्ड में जाके दिखाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शोरूम में दिखाऊंगा, तो एक तरीका हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, उस मेथड से आप कस्टमर को अपने ट्रैक्टर का भी दिखा सकते हैं और कस्टमर को ये बोल सकते हैं इस मेथड से जैसे हमारा चेक किया तू कंपटीशन का ट्रैक्टर भी चेक कर ले। तो उसमें ये जो सेंसिटिविटी वाला उसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताएंगे कैसे करना है, ये जो मेरा ड्राफ्ट लीवर है, ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, मेरा टॉपलिंग है यहाँ लगा हुआ है, ऊपर वाले होल में लगा के रखो, मैं ड्राफ्ट लीवर को ऊपर लेके आऊँगा तो एक पॉइंट आएगा जहाँ से मेरी लिफ्ट उठना शुरू हो जाएगी। मुझे लिफ्ट उठानी नहीं है, जहाँ से उठनी शुरू होगी उससे आधा इंच मैं नीचे कर दूंगा वापस, तो क्योंकि लिफ्ट मेरी फिर नीचे आ जाएगी। फिर मैं यहाँ धक्का मारूंगा, जैसे हल्का सा धक्का मारूंगा तो ये मेरी लोअर लिंक अपने आप उठनी शुरू हो जाएगी, मैं छोड़ दूंगा पीछे करूंगा तो लिफ्ट फिर वापस आ जाएगी उसी पोजीशन में स्टार्ट। अब ऐसे देख रहे हो, अब ये मेरा पॉइंट आया, इससे आधे से थोड़ा सा मतलब 1/4 कह सकते हो यहाँ नीचे कर दिया मैंने। तो अब ये देखोगे हम टॉपलिंग पे धक्का आ रहा है तो अपने आप लिफ्ट उठेगी। अब लीवर से हाथ उठा लो, मार मार कर, ये देखो ये मैं हल्का सा मार रहा हूँ, उठ रही है, मैंने कर दिया नीचे आ गई, फिर धक्का मारा, अब ऐसे हम शोरूम में किसान को दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं और बताता हूँ अभी आपको, अब मैंने लीवर को नीचे कर दिया, कुछ किसान क्या होते हैं ड्राफ्ट लीवर का यूज़ ही नहीं करते, उसको नीचे रख के चलते हैं, अब मार धक्का, अब हम धक्का मार रहे, अब कुछ नहीं हो रहा, तो मेरा कंट्रोल ही नहीं है। तो मुझे लीवर को उस पोजीशन में लेके आना यहाँ ये कंट्रोल करना स्टार्ट करता है तो काम करेगी। इस चीज़ से ना दो फायदे मिलेंगे, एक तो शोरूम डेमो से जो कस्टमर ड्राफ्ट लीवर को चलाते ही नहीं, बहुत सारे कस्टमर है नहीं चलाते, ऐसे चलते रहते हैं, एक तो मेरा वो फ़ायदा हो जाएगा, मेरे ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा, कुछ लोग कंपटीशन का ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं, अब मेरे पास कस्टमर के पास कभी टाइम नहीं होता, वो शोरूम में आ जाता है, वो एक जॉन डियर लेना चाह रहा है या किसी और कंपनी का लेना चाह रहा है, तो उसका लिफ्ट वाला काम है, पोटैटोस लगाता है, शुगर केन लगाता है, जहाँ हाइड्रोलिक की सेंसिटिविटी चाहिए, आप ऐसे करके दिखा दो और उसको ये बोलो सेम तरीके से तू कंपटीशन का ट्रैक्टर भी करके दे कितने लोड पे आ रही। मान लो मैं यहाँ हल्का सा धक्का मार रहा हूँ तो कंट्रोल हो रहा, कंपटीशन के ट्रैक्टर में कितने धक्के, कंट्रोल तो होगा बट वहाँ 4 गुना ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा।